तो हेलो व्हाट्सएप कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में जहा हम डिस्कस करेंगे सीए फाइनल ऑडिट की आर टीपी नवंबर ट्वेंटी थ्री के जितने भी नए नए क्वेश्चन आईसीआई ने डाले हैं। ठीक है तो काफी मसाला आईसीआई ने डालने की कोशिश करिए बट ट्रस्ट भी बहुत ही क्यूट क्यूट गूगली गूगली गुगली मुश्कस है सर ये फाइल हमको कहा मिलेगी दिस यू विल फाइंड ऑन माई टेलीग्राम चैनल क्लियर सी ए विदम या वहां जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आप इसका चाहो तो प्रिंट ले लो सो so दैट आपको भी ये क्वेश्चन करने में बड़ा मजा है जितनी भी मैं मार्किंग्स करता चलूं आप भी वो साथ साथ मेरे साथ करते चलो एंड आपको भी पूरा

मिस्टर श्रेयांश वाइल परफॉर्मिंग द ऑडिट ऑफ रेड रॉक एंड सिल्वर सेंड लिमिटेड विच वॉज इन्वॉल्व इन फॉस्फोरस माइनिंग तो कंपनी का काम क्या है सर कंपनी का काम है मिस्टर श्रेयांश मिस्टर श्रेयांश डिसाइडेड टू अपॉइंट एन ऑडिटर एक्सपर्ट अच्छा ऑडिटर एक्सपर्ट कंपनी अपॉइंट करती है ऑडिटर अपॉइंट करता है ऑब्वियसली बात है जो एक्सपर्ट ऑडिटर का है वो ऑडिटर अपॉइंट करेगा ऑडिटर एक्सपर्ट फॉर द वैल्यूएशन ऑफ इन्वायरमेंटल लाइबिलिटी ऑब्वियसली बात है ऑडिटर एक्सपर्ट को इन्हीं कामों के लिए दिया जाता है कि आगे जाके जो लाइबिलिटी हो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के दो ठीक है सर अब ये जो रेड रॉक एंड सिल्वर सैंड लिमिटेड है जो कि आपका क्लाइंट है इसने री अपॉइंट किया है किसको मिस्टर शीतल को मिस शीतल होना चाहिए ना सर छोड़ो जेंडर न्यूट्रलिटी इसने अपॉइंट किया किसको मिस्टर शीतल को एज द इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट अब जल्दी से बताओ

तो आपने ये चीज आई थिंक इंडिया में पढ़ रखी है कुछ प्रोविजन फॉर डी कमिशनिंग रिस्टोरेशन एंड अदर लाइबिलिटीज करके होता है उसको हम प्यार से ड्रॉल बोलते हैं तो वही प्रोविजन फॉर ड्रॉल ये कैलकुलेट करके दे रहा है एक्सपर्ट दिस प्रोविजन वॉज एक्सेप्टेड बाय द मैनेजमेंट अब मिस्टर श्रेयांश क्या कहता है मिस्टर श्रेयांश ने भी मैनेजमेंट से इंक्वायरी करी कि भाई ये मैनेजमेंट एक्सपर्ट कैसा है वो जो हम सारे प्रोसीजर करते हैं कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट का सीसीओ देखते हैं सीसीओ का क्या मतलब होता है कॉम्पिटेंस केपेबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी तो उसने इंक्वायरी करी एंड ही ऑफ ऑफ द ओपिनियन दैट ऑब्जेक्टिविटी द मैनेजमेंट एक्सपर्ट कैन नॉट बी क्वेश्चन जस्ट बिकॉज ही वॉज अपॉइंटेड बाय द मैनेजमेंट एज देयर एक्सपर्ट कह रहे हैं ऑब्जेक्टिविटी हमको क्वेश्चन करने की नीड ही नहीं है देयर इज नो नीड टू रेज अ क्वेश्चन ऑन द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एक्सपर्ट और वर्क परफॉर्म फॉर द कंपनी

वही लास्ट लाइन में आ जाती है और ये हमारी सबसे बड़ी सीख एग्जाम में पूरा क्वेश्चन पढ़ने से पहले लास्ट लाइन पढ़ लेना हो सकता है उसी से सारा कुछ पता चल जाए तो गाइड द ऑडिट पार्टनर एंड श्रेयांश कि किस तरीके से आप ऑब्जेक्टिविटी इवेल्यूएट करोगे तो अगर आपको पता हो जब भी हम मैनेजमेंट एक्सपर्ट के पास जाते हैं जब भी कोई बात बिगड़ जाए मैंने कहा मुश्किल आ जाए तुम देना साथ मेरा कहा गया मेरा कहा गया कहा गया कहा गया कहा गया कहा गया, कहां गया ये रसा यहीं से स्टार्ट करते चलो जब भी कोई मैनेजमेंट एक्सपर्ट होगा ठीक है तो सबसे पहले मैनेजमेंट एक्सपर्ट का जब हम काम इवेलुएट करते हैं तो हम उसका क्या देखते हैं सर सबसे पहले देखते हैं कॉम्पिटेंस ऑब्जेक्टिविटी तो देखो इन्होंने क्या लिख रखा है एकदम सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे सारी चीजों को समझते हुए और याद करते हुए एज पर एस ए फाइव हंड्रेड ऑडिट एविडेंस वेन इन्फॉर्मेशन टू बी यूज वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट सो ऑडिटर शेल टू द एक्सटेंड द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सपर्ट वर्क हमें एज अ ऑडिटर क्या करना है evaluate करना है दैट इज द कॉम्पिटेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी क्या पहला पार्ट समझ आया हा सर दूसरी चीज अब ये कह रहे हैं कि हमारा फोकस किस पे है कॉम्पिटेंस पे ना कैपेबिलिटी पे ना किस पे है सर ऑब्जेक्टिविटी पे तो कहता है अब ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं देयर इज अ ब्रॉड रेंज ऑफ सरकमस्टेंसेज दैट मे थ्रेट एन दब्जेक्टिविटी एग्जाम्पल एग्जाम्पल साफी एग्जाम्पल साफी सर यह साफी क्या है टाइप ऑफ थ्रेट जो आपने मेरे साथ प्रोफेशनल एथिक्स में पढ़े थे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स ए फॉर एडवोकेसी थ्रेट्स एफ फॉर फेमिलेरिटी थ्रेट एंड आई फॉर इंटीमिडेशन थ्रेट और हमने एक चीज सीखी थी प्रॉब्लम्स तो हैं सबके साथ बट सॉल्यूशन की है बात थ्रेट्स तो हैं सबके साथ बट सेफगार्ड्स की है बात यानी सेफगार्ड्स में रिड्यूस सच थ्रेट्स दैट मे बी क्रिएटेड बाय एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स और बाय द मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स वर्क एनवायरनमेंट सर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यानी सपोज कोई मैनेजमेंट एक्सपर्ट है जैसे कि एक्चुरियल है जो एक्चुरियल है उसके खुद के अपने प्रोफेशनल लेजिसलेशन और रेगुलेशन हो सकते हैं जैसे हम सी पे क्या लगते हैं प्रोफेशनल एथिक्स उसके ऊपर भी कुछ प्रोफेशनल एथिक्स लगेंगे तो ये कह रहा है कि कुछ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं या फिर मैनेजमेंट एक्सपर्ट का इंटरनल वर्क इन्वायरमेंट जैसे कि उसके खुद के क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर क्या यहां तक सारी बातें समझ आई हां सर अभी तक आपने हमको बताया एसए 500 करके ऑडिट एविडेंस उसमें हम जब भी मैनेजमेंट एक्सपर्ट इन्वॉल्व होगा उसका क्या देखेंगे सीसीओ दैट इज द कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी फोकस किस पे करना है ऑब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी पे लालचन कैसे आएगी दिक्कत कैसे आएगी सर ऑब्जेक्टिविटी पे दिक्कत आती है थ्रेट से व्हाट आर द फाइव टाइप्स ऑफ थ्रेट साफी सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट

ये सारे थ्रेट्स को एलिमिनेट तो नहीं कर सकते फॉर एग्जाम्पल देखो क्या कहता है ऑल दो सेफ गार्ड कैन एलिमिनेट ऑल द टू दू मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिविटी थ्रेट सच एस इंटीमिटेशन थ्रेट मे बी ऑफ लेस सिग्निफिकेंस टू एन एक्सपर्ट इंगेज बाय एन एंटिटी देन टू एन एक्सपर्ट इंप्लॉयड बाय द एंटिटी क्या आपको यह बात समझ आई क्या कहने की कोशिश कर रहा है सर देर इज अ थ्रेट ऑफ इंटिमिडेशन इंटीमिडेशन का क्या मतलब होता है सामने वाले को धमकाना फील लेके समझना इंटीमिडेशन मतलब सामने वाले को धमकाना मुझे बताओ किसको धमका पाओगे मुझे बताओ किसको धमका पाओगे मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं एक जो एक्सपर्ट एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल है यानी एंटिटी ने उसको एंगेज किया है फॉर अ पर्टिकुलर एंगेजमेंट दूसरा जो एक्सपर्ट उनका एम्प्लॉय है इन दोनों में से बताओ किसको धमकाना आसान होगा एक्सटर्नल वाले को या इंप्लॉय वाले को सर जो बाहर वाला है ना उसको धमकाओगे तो अगले दिन गायब हो जाएगा या उसी समय गायब हो जाएगा बट जो इंप्लॉयी है घर का इंप्लॉयी है इंटरनल इंप्लॉय है उसको तो जितना धमकाना चाहो धमका लो तो ये क्या कहता है इंटीमिडेशन थ्रेट्स विल बी लेस सिग्निफिकेंट टू अ एक्सपर्ट इंगेज बाय द एंटिटी यानी यानी बाहर वाला ओ, समझ गए सर देन 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 ट इंप्लॉयड बाय द एंटिटी यानी अंदर वाला एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ सेफ गार्ड सचे क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स में भी ग्रेटर तो यह क्या कह रहा है कि जो बाहर वाला होगा उसकी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स उसको बचा लेंगी तो अभी तक हमने बस तीन पॉइंट डिस्कस करें फाइव हंड्रेड ऑडिट एविडेंस क्या देखते हैं वापिस बताओ सीसी कॉम्पिडेंस केपेबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी में हमने क्या देखे थ्रेड थ्रेड्स के लिए सेफ गार्ड अब सेफ गार्ड्स भी किसको बचाते हैं बाहर वाले को अंदर वाले को सर बाहर वाले को यानी ये जो सेफ गार्ड है यह सारे थ्रेड को तो एलिमिनेट नहीं कर सकते बट सर्टेन थ्रेड लाइक इंटीमिटेशन थ्रेड ये क्या होंगे ये लेस सिग्निफिकेंट होंगे लेस हार्मफुल होंगे किसके लिए बाहर वाले के लिए देन फॉर अंदर वाला दैट मींस द पर्सन इंप्लॉयड बाय द एंटिटी एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ सेफ गार्ड विल ऑल्सो बी ग्रेटर ग्रेटर फॉर हुम सर ग्रेटर फॉर दिस पर्सन हु इज इंगेज बाय द एंटिटी अब सारे बच्चे नेक्स्ट पॉइंट पे हो अब ये कह रहा है बिकॉज द थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी क्रिएटेड बाय बीइंग एन बॉय इज ऑलवेज प्रेजेंट एन एक्सपर्ट इंप्लॉयड बाय द एंटिटी कैन नॉट बी कैन नॉट बी रिगार्डेड एज बीइंग मोर लाइकली टू बी ऑब्जेक्टिव देन द अदर इंप्लॉइज ऑफ एंटिटी ये कह रहा है कि वो भी उतना ही ऑब्जेक्टिव है जितने बाकी इंप्लॉइज हैं अब नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या कहता है वाइल इवेल्युएटिंग द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एक्सपर्ट इंगेज बाई एंटिटी जो कि हमारा केस है जो कि हमारा केस है यानी बाहर वाला इसके केस में क्या करना है इट इज नेसेसरी कि आप डिस्कशन करो आप डिस्कशन करो आप अनुमान मत लगाओ उसकी ऑब्जेक्टिविटी कैसी है आप डिस्कशन करो सर डिस्कशन किसके साथ करें मैनेजमेंट के साथ एक्सपर्ट के साथ किसके साथ डिस्कशन मैनेजमेंट के साथ एक्सपर्ट दो ही तो पार्टीज हैं एक मैनेजमेंट है जिसने एक्सपर्ट को एम्प्लॉय किया एक एक्सपर्ट है जिसको मैनेजमेंट ने एम्प्लॉय किया दो ही पार्टीज हैं आप दोनों से डिस्कशन करो एज ऑडिटर और उनसे पूछो तुम्हारे बीच में चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है वॉट आर द इंटरेस्ट एंड रिलेशनशिप एंड जो इंटरेस्ट और रिलेशनशिप है क्या वो कोई थ्रेट क्रिएट कर सकते हैं ओ क्या कोई थ्रेट क्रिएट कर सकते हैं अबाउट द ऑब्जेक्टिविटी अगर हां तो उस थ्रेट के लिए क्या सेफ हैं उस थ्रेट के लिए क्या सेफ गार्ड है और अगर सेफ गार्ड है तो क्या वो सेफ गार्ड एडिकुएट है कि नहीं फील आ रही है नहीं आ रही है फील आ रही है नहीं आ रही है आ रही है, आ रही है सर तो मैंने कहा यहां तक आपने बस बेसिकली इतनी सी बात समझ ली कि भाई आपने बोला थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी हमेशा इंप्लॉय में रहेगा ही रहेगा इट विल ऑलवेज भी प्रेजेंट और आप बोलोगे हर इंप्लॉय उतने ही ऑब्जेक्टिव है जितने बाकी हैं अब जब बात आती है भार वाले की यानी द एक्सपर्ट हु कमऑन भार वाले को क्या नाम दिया मैंने

ट द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एक्सपर्ट इंगेज बाई द एंटिटी एज द थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी क्रिएटेड बाई बॉय ऑफ एंटिटी विल ऑलवेजी प्रजेंट यहां आईसीआई ने कर दी गड़बड़ यहां आईसीआई ने कर दी गड़बड़ लिखता कुछ और है नीचे कुछ और लिख दिया अरे जब इंगेज है तो इंप्लॉय वाली लाइन क्यों लिखी बदमाश नंबर वन छोड़ो एन एक्सपर्ट अपॉइंटेड बाय द एंटिटी कैनोट ऑर्डनरीबली ड एज बिंग मोर लाइकली टू बी ऑब्जेक्टिव देन अदर एम्प्लॉयज ऑफ द एंटिटी एज ए रिजल्ट ऑडिट पार्टनर इज करेक्ट इन व्यू आप बस इतनी सी बात लिखो एज अ ऑडिडेट द ऑब्जेक्टिविटी एंड द ऑडिट पार्टनर इज करेक्ट इन व्यू क्या यहां तक सारी बात समझ आई समझ गए सर वापिस एक बार रिवाइज करा रहा हूं ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या है बहुत बड़ा पर आखिरी में पूछा क्या क्या आपको मैनेजमेंट एक्सपर्ट की ऑब्जेक्टिविटी देखनी है या नहीं मैंने कहा हाँ देखनी है हाँ देखनी है देखनी है देखनी है हमें इसका देखना है देखने की सीसीओ है कि नहीं कंपनी में होते सीईओ, सीएफओ सी पर पर होना चाहिए सीसीओ सीसीओ यानी ऐसे 500 के हिसाब से जब भी आप मैनेजमेंट एक्सपर्ट का काम यूज करोगे तो आपने उसकी सीसीओ देखनी दैट इज कॉम्पिटेंस केपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी क्या ये बात समझ आती है हाँ, बताओ ऑब्जेक्टिविटी पे क्या, कौन दिक्कत लाता है सर ऑब्जेक्टिविटी पे दिक्कत लाते हैं थ्रेट्स थ्रेट्स कौन से थे साफी सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट सेल्फ रिव्यू थ्रेट 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 एडवोकेसी बट आपने ये देखना है इन थ्रेट्स के लिए इसने safeguard लगा रखे कि नहीं अब ये सेफ कैसे आ सकते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इंटरनल इनवायरमेंट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इंटरनल वर्क एनवायरमेंट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में क्या आते हैं प्रोफेशनल एथिक्स लॉज एंड रेगुलेशन इट सर इंटरनल वर्क एनवायरनमेंट में क्या आती है इसकी फर्म की खुद की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ये कहता है कितने ही सेफ लगा, लगा लो इंटीमिडेशन थ्रेट तो रहेगा ही रहेगा

वेन यू आर इवेलुएटिंग द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द एक्सटर्नल एक्सपर्ट हु इज इंगेज तो अब आप क्या देखोगे जल्दी से बताओ इंटरेस्ट एंड रिलेशनशिप ये इंटरेस्ट एंड रिलेशनशिप से क्या होता है थ्रेट होता है थ्रेट के लिए हम क्या देखेंगे सेफ गार्ड एंड चेक करेंगे वो सेफ गार्ड है या नहीं एंड लास्ट में सर सारी सारे आपने बस ये बताने हैं ये रिलेशनशिप क्या थी ये हमारे इंटरेस्ट और रिलेशनशिप के एग्जाम्पल बताओ इंटरेस्ट का मतलब फाइनेंशियल इंटरेस्ट रिलेशनशिप किसकी होती है सर बिजनेस और पर्सनल रिलेशनशिप एंड देर कुड बी अदर टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाई द एक्सपर्ट देन फैक्ट्स ऑफ द केस एंड लास्ट में यू सिंपल थिंग दो रेड वाली लाइने लिखना ऑडिटर शेल इवेल्यूएट द ऑब्जेक्टिविटी एंड ऑडिट पार्टनर इज करेक्ट इन द व्यू क्या ये बात समझ आई समझ गए सर समझ गए सर समझ गए सर समझ गए अब भले ही चाहो तो आप वीडियो को दो मिनट के लिए पॉज कर सकते हो एक बार आंसर को गो थ्रू कर सकते हो एंड आई फील जो आपने अभी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लिया और टॉपिक कवर किया है टेन मिनट्स इज वेरी मच इनफ टू गिव फॉर इट ठीक है तो अभी तक तो हमने पंद्रह मिनट लगा लिए बड़ा क्वेश्चन कर लिया बट मजा आ गया ठीक है पानी के दो घुंट लगा लो अब सर ये वाला क्वेश्चन एकदम टुचुमुचुम है एकदम सीधा साधा आसान क्वेश्चन है ये क्या कहता है पहले मैं समझा देता हूं फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं देखो क्या क्वेश्चन कहता है क्या कारो 2020 ट्वेंटी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एप्लीकेबल है या नहीं इंडिया वॉन्ट टू नो नेशन वॉन्ट टू नो बताओ क्या कारो 2020 ट्वेंटी 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 वन तो अगर आपको याद हो एक मिनट दो जल्दी से बताता हूं हाँ भाई अब आ आगे ना नोटबुक अब आएगा मजा तो देखो क्या होता है सपोज सर एक कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस लिमिटेड ठीक है अब सर रिलायंस लिमिटेड के ऊपर तो कारो ट्वेंटी ट्वेंटी लगता है यानी ना कंसोलिडेशन एप्लीकेबल होगा सब्सिडी है जैसे कि एस ले लो एस ले लो एस ले लो अब इनकी अपनी अपनी कारो की रिपोर्ट बनी हा सर रिलायंस लिमिटेड की भी अपनी अपनी कारो की रिपोर्ट बनी अब सर जब इनकी अपनी कारों की रिपोर्ट बनी तो इनकी अपनी जो कारों की रिपोर्ट थी उसमें क्या ऑडिटर ने कुछ गड़बड़े निकाली होंगी मैंने कहा तो इसके में निकाली होगी सपोज किसी क्लॉज में कोई गड़बड़ ठीक है मान लो इसकी क्लॉज एट की गड़बड़ निकली सर क्लॉज एट क्या था क्लॉज आठ इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने लगा दी हमारी वाट तो क्लॉज आठ में इसने बोला कि जो ट्रांजेक्शन जो इनकम इसने सरेंडर करी थी इनकम टैक्स अथॉरिटीज को वो इसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंक्लूड नहीं करी तो ये इसकी एक क्वालिफिकेशन है जो कारो 2020 में प्रेजेंट है बाकी सब ठीक है एस टू की बात करते हैं सर एस टू के केस में क्या क्वालिफिकेशन है इसकी क्वालिफिकेशन है क्लॉज नंबर थर्टीन की इसी बहाने आपके कारो के क्लॉज रिवाइज हो रहे हैं पार्टी करो थर्टीन की क्या थी जितनी भी रिलेट मतलब अनलकी थर्टीन जितनी भी रिलेटेड पार्टीज हैं जितनी भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है उनका डिस्कलोजर होना चाहिए एज पर एस एन इंडिया पार्टी ओ हो हो वेरी वेरी बैड ओ हो हो वेरी वेरी बैड तो ये क्या होगा सर ये इसकी क्वालिफिकेशन होगी बाकी सब ठीक है अब एस थ्री है अब एस बाकी सब ठीक है ना कोई दिक्कत नहीं है ये ये मेन मेन मैं क्वालिफिकेशंस को हाईलाइट करो अब कोई एस है

ये क्या कहता है कंपनी ने कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन ही नहीं कर रखे ओ वेरी वेरी बैड अरे बाबा वेरी वेरी बैड ये भी गलत बात हो गई बाकी सब ठीक है बाकी सब फर्स्ट क्लास है अब ये जो क्वालिफिकेशन है ये कहा है इंडिविजुअल ऑडिट रिपोर्ट में तो क्लॉज ट्वेंटी वन कहता है रुको 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 क्लॉज ट्वेंटी वन कहता है आप जब कंसोलिडेशन करो सर कंसोलिडेशन मतलब इन सबको साथ में मिला दो तो आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो रिपोर्ट होगी कारो की उसमें बस एक क्लॉज ट्वेंटी वन डाल देना और जो ये क्वालिफिकेशन है ना ये यहां पे परोस देना यहां पे डाल देना ये वाली जो क्वालिफिकेशन है ये भी यहां डाल देना और जो ये वाली क्वालिफिकेशन है ये भी यहां डाल देना ताकि हमको कंसोलिडेटेड लेवल पे पता चल जाए जितनी भी एंटिटीज कंसोलिडेट हुई हैं उनमें कारों में क्या क्या गड़बड़े निकल के आई क्या ये बात समझ आई हां सर अब देखो सर क्या हुआ है क्वेश्चन में

Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Clause number 9. Clause number 9, Para 3, Caro 2020. सर ये क्लॉज नाइन कैसा है मैंने कहा क्लॉज नाइन बड़ी सिंपल सी बात कहता है जब भी आप दूसरे से पैसा लोगे लोन लोगे और उसमें अगर आपने डिफॉल्ट किया तो क्लॉज नाइन में आएगा डिफॉल्ट करोगे तो सेकंड पॉइंट क्या आता है विलफुल डिफॉल्टर डिफॉल्ट क्यों हुआ क्योंकि आपने फंड्स की यूटिलाइजेशन सही पर्पज के लिए नहीं की शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए किया उसके बाद लास्ट के दो पॉइंट आते हैं आतेजी वाले सब्सिडी एसोसिएट जॉइंट वेंचर सब्सिडी एसोसिएट जॉइंट वेंचर एक बार कारो ट्वेंटी ट्वेंटी देख लेना मजा आ जाएगा ठीक है सर सो so, ये कहता है वेन कंसोलिडेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सी जो सी का ऑडिटर है he decided to include the above mentioned qualification in the audit report of CFS for the financial year 22-23. बिल्कुल सही कर रहा है लड़का. बिल्कुल सही कर रहा है मेरे से ही पढ़ा है. ठीक है सर. The management of XYZ Limited argued. अरे रे रे ये क्या हुआ? They argued that CAF is not obligated to take into account and report the qualification by CAB management nalaik. Management nalaik. कहते हैं ये कुछ करने की जरूरत ही नहीं है

एज अ सी जब आप इक्कीस साल के होते हो तभी तो क्वालिफाई होते हो टू एक्ट एज में समझ गए सर तो 21 किसकी बात बात करता करता है ये बात है क्वालिफिकेशन इन द कारो रिपोर्ट ऑफ ये कहता है क्लॉज नंबर 21 पैरा ट्वेंटी कारो ट्वेंटी ट्वेंटी मैंडेट ऑडिटर टू कमेंट वेदर देर आर एनी क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क्स इन द कारो रिपोर्ट ऑफ ऑल द कंपनी इंक्लूडेड इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर ऐसी कोई क्वालिफिकेशन है तो एज अ ऑडिटर आपको उसकी डिटेल्स देनी है कि कौन कौन सी कंपनी है कौन कौन से पैरा नंबर में वो दिक्कत है अलोंग विद द क्वालिफिकेशंस एंड रिमार्क क्या क्या बताना है कौन सी कंपनी कौन सा पैरा नंबर अलोंग विद द क्वालिफिकेशंस एंड रिमार्क जो कि हमने किया हमने बताया एस वन है एस टू है एस थ्री है क्या मैंने पैरा नंबर बताया हा क्लॉज नंबर थ्री क्लॉज नंबर थर्टीन क्लॉज नंबर सिक्स पैरा नंबर यही होता है इसको आप ऐसा बोल सकते हो पैरा थ्री और थ्री के आगे लगा दो ऐसे पैरा थ्री के आगे आप ऐसे ब्रैकेट में लिखोगे तो ये पैरा बन गया ठीक है इनडायरेक्टली क्लॉज ही बोल रहा है तो आपने क्लॉज भी बता दिया और उसके साथ जो ये क्वालिफिकेशन थी कि रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोज नहीं है कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं करे ट्रांजेक्शन ठीक से नहीं दिखाई वो सारी बातें आप यहां पर दिखा के चलोगे क्या ये तीनों बातें समझ आई हाँ तो सीए की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सीए कौन है सीए कौन है सर ऊपर वाला ऑडिटर सीएफएस का ऑडिटर इसकी रिस्पांसिबिलिट है कि ये तीन स्टेप्स फॉलो सबसे पहले तो रिपोर्ट करें अंडर क्लॉज ट्वेंटी ट्वेंटी सर क्या रिपोर्ट करे कंपनियों के नाम कि कोई क्वालिफिकेशन है या नहीं अगर है तो वो बताए इनकॉर्पोरेट द क्वालिफिकेशन बाय सी ए बी एंड उनका पैरा नंबर मेंशन करे वही सेम सेम बातें जो ऊपर लिखी थी वो इनको वापस लिख दिया मैनेजमेंट की जो कंटेंशन है इट इज नॉट वैलिड समझ गए सर एंड कंक्लूजन क्या सीए एफ सही है सीए एफ सही सीए एफ सही है इज ऑब्लिगेटेड टू इनकॉर्पोरेट द क्वालिफिकेशन सी ए बीस कारो रिपोर्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री एज वेल एज प्रोवाइड अबाउट द रिक्वायरमेंट एज पर क्लॉस ट्वेंटी ट्वेंटी अब सारे के सारे बच्चे आ जाओ क्वेश्चन नंबर थ्री पे ये जो शुरू के क्वेश्चन है ना इन्हीं में थोड़ा बहुत मसाला है इन्हीं में थोड़ा बहुत मजा है बाकी के सारे क्वेश्चन तो एकदम मरियला है। मजा आएगा है। जल्दी से पानी का दो घूंट लगाओ पहला क्वेश्चन पंद्रह मिनट दूसरा क्वेश्चन आठ मिनट ये वाला क्वेश्चन कितनी देर लगा चार पांच मिनट और सारे बच्चे इस क्वेश्चन को मैं आपको कराऊं। पहले मेरे साथ एक कॉन्सेप्ट समझना आ जाओ जी आ जाओ आप बैठे हो एग्जाम रूम में क्या आप बात कर रहे हो सर हाँ आप बैठे हो एग्जाम रूम में टिक टिक, टिक घड़ी की टिक, टिक टिक चल रही है जैसी सर घड़ी की टिक, टिक टिक चल रही है अचानक एक बच्चे की आवाज आती है टीचर एक्स्ट्रा शीट क्या होता है दिल में धक धक होती है मैंने कहा आओ आओ एक्स्ट्रा शीट शीट की की बात करते आओ, की बात करते करते हैं हैं तुमसे सप्लीमेंट्री अगर सप्लीमेंट्री शीट का समझ लिया तो तुमने ये क्वेश्चन समझ लिया देखो क्या कहता है आप बैठो एग्जाम रूम में अगर एक बच्चा है जिसका नाम है स्टूडेंट ओहो क्या बढ़िया नाम लिया है सर ये जो स्टूडेंट है सर ये क्या करता है ये अपनी कॉपी बनाता है अब जब कॉपी के पन्ने खत्म हो जाते हैं ठीक है जब भी कॉपी के पन्ने खत्म हो जाते हैं कोई रीजन होता है तो ये एक्स्ट्रा शीट लेता है जिसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री शीट ये इसकी आंसर शीट है अब इस मेन आंसर शीट के साथ सर ये दो पर्पस के लिए देयर आर टू पर्पसेस फॉर विच ही कैन आस्क फॉर अ सप्लीमेंट्री शीट प्लीज ये पॉइंट समझ के चलना बहुत मजेदार है अब ये जो सप्लीमेंट्री शीट है ये दो पर्पस क्या हो सकते हैं सर पहला पर्पस तो ये हो सकता है कि इस बंदे को ना इस बंदे को क्या करना है सर इसको करनी है रफ वर्किंग रफ वर्क के लिए चाहिए हम तो यूं ही परेशान हो रहे थे या दूसरी चीज क्या हो सकती है सर इसकी मेन आंसर शीट खत्म हो चुकी है इसको एडिशनल वर्किंग करनी है इसको क्या करनी है एडिशनल वर्किंग करनी है अब एक बात बताओ एज अ एग्जामिनर एज अ एग्जामिनर एक बात बताना जब मैं इसकी कॉपी चेक कर रहा हूं पेपर चेकर की बात करते एग्जामिनर क्या होता है एज अ पेपर चेकर जब मैं इवेल्युएट करूंगा तो मैं कौन सी चीज को इवेल्युएट करूंगा रफ वर्क को या एडिशनल वर्किंग को सर जो रफ वर्क है वो आपकी इवेलुएशन का पार्ट नहीं बनेगा एडिशनल वर्किंग आपकी इवेलुएशन का पार्ट बनेगी मैंने कहा वेरी गुड ऐसा ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होता है ऐसा ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ सप्लीमेंटरी इंफॉर्मेशन ओ सर पहली कौन सी होती है पहली तो वो होती है विच आर नॉट इंटीग्रल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी एफ आर एफ की रिक्वायरमेंट भी नहीं है प्लस आप बस मजे के लिए यह फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ दे रहे हो और सर दूसरी कौन सी होती है दूसरी होती है विच आर इंटीग्रल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर इंटीग्रल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब दीज विल बी कवर्ड बाय द ऑडिटर्स ओपिनियन एंड आप फाइनेंशियल को समझाने के लिए उनके नोट्स टू अकाउंट से फेयर प्रेजेंटेशन देने के लिए आप इसको दे रहे हो तो अगर कोई चीज नॉट इंटीग्रल है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का पार्ट नहीं है तो इट विल नॉट बी कवर्ड बाय ऑडिटर्स ओपिनियन ये ऑडिटर ओपिनियन कवर नहीं करेगा नॉट कवर्ड बाय ऑडिटर्स ओपिनियन जैसा ऊपर था ये रफ वर्क है आप मान के चलो इट इज रफ वर्क गॉट इट सर एंड अगर कोई चीज इंटीग्रल है इट विल बी कवर्ड बाय ऑडिटर्स ओपिनियन ऑब्वियस बात है जब ऑडिटर पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन दे रहा है तो इस पर भी देगा अब मैं आपसे एक छोटा सा एग्जाम्पल पूछता हूं जल्दी से बताना आपने मुझे बस बताना है इंटीग्रल है या नहीं एग्जाम्पल अगर मैनेजमेंट ने अगर मैनेजमेंट ने कोई एडिशनल पीएनएल अकाउंट दिया है जरूरत नहीं थी कोई दिया एडिशनल पीएनएल अकाउंट और उसमें बस वो एक स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर्स दिखा रहा है एंड दो स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर ये जो एडिशनल पीएनएल एज दिया है तो इंटीग्रल नहीं।, तो नहीं है इट इज नॉट अ रिक्वायरमेंट ऑफ एफआरएफ तो एज अ ऑडिटर ये आपके ओपिनियन में भी कवर नहीं होगा दूसरा एग्जांपल दूसरा एग्जांपल लेते हैं सर किसका एडिशनल नोट्स का मान लो मैनेजमेंट ने कुछ एडिशनल नोट्स दिए अब ये जो एडिशनल नोट्स हैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ ही दिए हैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लगा के ही दिए हैं साथ ही दिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझाने के लिए क्या सर ये इंटीग्रल है मैंने कहा ये तो इंटीग्रल भी है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट भी है ये ओपिनियन में भी कवर होंगे ये ऑडिटर के ओपिनियन में भी कवर होंगे क्या ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया हा सर अब सारे बच्चा क्वेश्चन पे अब तुमको मजा आएगा

फॉलोइंग स्टेटमेंट आफ्टर आफ्टर का क्या मतलब है आफ्टर द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो मतलब राजधानी का आखिरी डिब्बा था उसके बाद लगाया तो क्या वो ट्रेन का पार्ट होगा नहीं पहले कौन आता है बैलेंस शीट फिर कौन आता है पीएनएल फिर कौन आता है कैश फ्लो फिर कौन आता है नोट्स तो टू अकाउंट्स ये कह है उसके भी बाद लगाया ये कहता है एज अ सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन टू बी प्रेजेंटेड विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर इसके साथ इन्होंने कोई लेबल नहीं लगाया नो स्पेसिफिक मेंशन और लेबल वर एडेड टू टू दिस दिस स्टेटमेंट प्रेजेंट एज अ सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन अब इन्होंने इसको कैसे दिया देखो इन्होंने दिया स्टेटमेंट ऑफ एवरेज रेवेन्यू पर बुकिंग कुछ इन्होंने एडिशनल ये स्टेटमेंट डाला है और इसका कंपेरिटिव भी दिया है पिछले साल से इन्होंने बताया इस साल की टोटल बुकिंग कितनी हुई है छत्तीस हजार पांच सौ थर्टी नाइन थाउजेंड कुछ इस तरह की बुकिंग हुई है एवरेज रेवेन्यू पर बुकिंग बताया इस साल का और पिछले साल का क्या कोई एफ आर एफ कहता है ये सब देने के लिए द आंसर इज नो तुमने तो पूरा इंडिया स्पर्ट रखा है कभी ऐसा नहीं होता ये बुकिंग्स रेशियो भी दे रहे हैं ऐसे ऐसे काइंडली गाइड द ऑडिट टीम रिगार्डिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ एस एस सेवन हंड्रेड विद रिस्पेक्ट टू सच सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन अब जल्दी से बताओ सर ये जो सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन दी है ये आपको किस चीज की फीलिंग दे रही है ये आपको किस चीज की फीलिंग दे रही है क्या यह नोट्स टू अकाउंट्स का पार्ट बना के दिए या अलग से दिए क्या यह नोट्स टू अकाउंट्स का पार्ट बना के दिए या अलग से दिए सर एज अपेंडिक्स अलग से डाला कैश फ्लो के बाद है अगर इन्होंने यहां पे लिखा होता ना दे वर इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू एक्सप्लेन द नोट्स ऑफ रेवेन्यूज तो फिर आपको एक फील आती कि हाँ सर यह नोट्स का पार्ट है कहीं ना कहीं इंटीग्रल हो गया अभी कैश फ्लो के बार बार

पहले बताओ ऐसे कौन सा लगाओगे एस ए सेवन हंड्रेड या एस एवन हंड्रेड में पढ़ा था हमने 700 का लास्ट टॉपिक यही है सप्लीमेंट्री ये कहता है कि सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन चेक करो कि अगर ये की रिक्वायरमेंट नहीं है तो क्या ये इंटीग्रल पार्ट है अगर इंटीग्रल पार्ट है तो भाई साहब फिर ये ऑडिटर के ओपिनियन में भी कवर होना चाहिए वेदर इट शैल बी कवर्ड बाय ऑडिटर्स ओपिनियन अब ये कहता है कि अगर कोई सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय एफ आर एफ नहीं है प्लस आपको लगता है कि वो इंटीग्रल पार्ट भी नहीं है तो उसकी प्रेजेंटेशन चेक करो क्या उसकी जो प्रेजेंटेशन है क्या उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो इस तरह से है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर डिफरेंशियटेड नहीं है तो बताओ किसका दरवाजा प्रेजेंटेशन तो अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज कर दे अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर देना अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर देना भाई साहब मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है कि ओपिनियन मॉडिफाई कर दो कुछ भी कुछ भी मतलब कुछ भी मैनेजमेंट जहां मना करते ओपिनियन मॉडिफाई क्यों क्योंकि हमको तो आता है अरे भाई ऐसे थोड़ी होता है <laughs> ऐसे थोड़ी होता है मैनेजमेंट ने रिफ्यूज कर दिया कोई बात नहीं आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखो कि इस चीज को हमारा ओपिनियन कवर नहीं करता देन इफ द मैनेजमेंट रिफ्यूज देन यू नीड टू रिपोर्ट दैट सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन हैज नॉट बीन ऑडिटेड यहां तक वापस एक बार रिवाइज करते हैं सेवन 700 फॉर्मिंग एन ओपिनियन ओपिनियन बन गया तो रिपोर्ट करेंगे ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये इंटीग्र है या नहीं अगर इंटीग्रल है इट विल बी कवर्ड बाय द ऑडिटर्स ओपिनियन क्या इतनी सी बात समझ आती है समझ गए सर सर अब अगर ये इंटीग्रल नहीं है इफ इट इज नॉट इंटीग्रल चेक द प्रेजेंटेशन चेक द प्रेजेंटेशन अगर प्रेजेंटेशन ऐसी है कि इट इज सफिशिएंटली डिफरेंशिएटेड तो तो ठीक है

मैनेजमेंट के पास देन इन दैट केस रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू चेंज द प्रेजेंटेशन अब सर मैनेजमेंट से प्रेजेंटेशन में क्या चेंज कराओ मैंने बोला था ना गड़बड़ कहां थी नोट्स की रेफरेंसिंग में तो सर आप यहां जो नोट्स की रेफरेंसिंग है ना उसको हटवाओ ताकि ये सफिशियंटली क्लियर हो कि ऑडिटेड क्या है अनऑडिटेड क्या है समझ गए सर दूसरा इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाहर ही फेंक दो मतलब इट प्लेस इट आउटसाइड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इफ दैट इज नॉट पॉसिबल एट मिनिमम प्लेसिंग टुगेदर एट द एंड जितनी अनऑडिटेड चीजें सबको साथ में रखो एंड क्लियरली लिखो उनके ऊपर दिया दिया गया यहां दिया गया सामान सामान कैसा है अनऑडिटेड है अब अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज कर दे तो मॉडिफाई कर देंगे मैंने कहा नहीं यार अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखो इट हैज नॉट बीन ऑडिटेड क्या यह बात समझ में आ गई हाँ सर तो मैंने कहा इधर देखो तुम इधर देखो इंफॉर्मेशन देखो, देखो। डाल दी चेक करो ये इंटीग्रल है या बाहर की है हमारे केस में क्या है ठीक है जनरली आई से जो क्वेश्चन पूछते हैं उसमें की होती है पिछली बार भी जो क्वेश्चन पूछा जुलाई 21 में बाहर की थी तो यहां पे भी की है जब भी वो की है, तो उसकी प्रेजेंटेशन देखो प्रेजेंटेशन देखेंगे कि क्या वो इंटीग्रल है नॉन इंटीग्रल है अगर इंटीग्रल है तो इट विल बी कवर्ड बाय द ऑडिटर्स ओपिनियन अगर इंटीग्रल नहीं है तो प्रेजेंटेशन देखो अगर प्रेजेंटेशन के साथ गड़बड़ है तो मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करो नहीं मानती तो अपने ओपिनियन में लिखो हमने इसको कवर नहीं किया क्या ये बात समझ आती है हाँ सर अब एक बात बताओ हम कैसे इंश्योर करें हमने कवर नहीं किया उसको लेबल करो एज अनऑडिटेड फिर फैक्ट्स ऑफ द केस लिखो और सजेशन दो सर सजेशन क्या था वो जो नोट्स की रेफरेंसिंग है उसको उड़ाओ इसको प्लेस करो आउटसाइड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ दैट्स नॉट पॉसिबल प्लेस ऑल द अनऑडिटेड मटीरियल टूगेदर जितना अनऑडिटेड उसको एक साथ रखो और उसके ऊपर हेडिंग दो इट इज अनऑडिटेड मैनेजमेंट ऐसा नहीं करती तो कोई दिक्कत नहीं है हम कर देंगे हम अपनी रिपोर्ट में लिख देंगे दिस ऑल मटेरियल इज नॉट कवर्ड बाय ऑडिटर ओपिनियन क्या इतनी सी बात समझ आती है हां सर यहां आपका एक और सवाल डन डन, डन, डन। सर आपने तो कहा था पांच मिनट लगेंगे जानबूझ के बोला था ताकि तुम बैठ जाओ चुपचाप ठीक है एक और बढ़िया वाला कॉन्सेप्ट आपका एस ए का हो गया जल्दी से बताओ मजा आया कि नहीं आया मजा आया कि नहीं आया अभी जाके कमेंट कर दो मैं तो कह रहा हूं फील आ गई तो बोल दो सर मजा आ गया क्वेश्चन नंबर थ्री में तो भाई गेम है ना फिर और क्या है मजे ही लेने हैं जितना मजे से पढ़ेंगे उतना ज्यादा स्कोर करेंगे आहा। जल्दी से पानी के दो घूंट लगाओ बस खत्म आरटीपी बस अब अपनी आखिरी सांसें लेना शुरू कर चुकी है अब आ जाओ सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर फोर पे

कम से कम छह डायरेक्टर होने चाहिए रेगुलेशन किसके लिए था यह रेगुलेशन किसके लिए था सर यह टॉप टू थाउजेंड के लिए था यह टॉप टू थाउजेंड के लिए था कम से कम छह डायरेक्टर होने चाहिए होगा ठीक है सर अब ये कहता है जो इंडी ये देखो यहां पर बात लिख रखी है हो गया अरे मैं कह रहा हूं ना मेरे पे विश्वास रखो मुझे सब आता है ठीक है अब आता है पॉइंट नंबर टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहते हैं मीटिंग ही नहीं करी नालायक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने कोई ऐसी मीटिंग नहीं करी विदाउट द प्रेजेंस ऑफ विदाउट द प्रेजेंस ऑफ नॉन इंडिपेंडेंट एंड मेंबर्स ऑफ द मैनेजमेंट क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को साल की एक मीटिंग करनी थी विदाउट द प्रेजेंस ऑफ नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड मेंबर्स ऑफ मैनेजमेंट द आंसर इज यस दे वर रिक्वायर्ड टू होल्ड एटलीस्ट वन मीटिंग बिना मतलब एक इंडिपेंडेंट मीटिंग करनी थी जिसमें बाकी लोग ना हो विदाउट द प्रेजेंस ऑफ नॉन इंडिपेंडेंट एंड मेंबर्स ऑफ मैनेजमेंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कोशिश करेंगे कि वो इस मीटिंग का पार्ट आ सके बट क्योंकि वो नहीं आए तो वो नॉन कंप्लायस हो गई सर ये तो बड़े आसान आसान क्वेश्चन आ गए पेपर भी ऐसे ही आएगा कुछ बहुत मरियल क्वेश्चन कुछ मजेदार क्वेश्चन तो अपने को मिल के चलना है। रिस्क मैनेजमेंट कंपनी कमेटी डिवाइज अ पॉलिसी ऑन बोर्ड डायवर्सिटी एक बात बताओ ये डायवर्सिटी का काम रिस्क मैनेजमेंट कमेटी को कौन दिया बे ये रिस्क मैनेजमेंट कमेटी को किसने काम दिया सर ये एनआरसी का काम है शन एंड रिमरेशन कमेटी बोर्ड डायवर्सिटी वो क्यों देख रही है रिस्क मैनेजमेंट वाली अगेन इट इज अ रोल ऑफ एनआरसी नॉट ऑफ आरएमसी आरएमसी मतलब रिस्क मैनेजमेंट कमेटी ये कह रहा है चेयरपर्सन ऑफ स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है मतलब ये सुनने से पहले ये सुनने से पहले तुम लोगों ने वीडियो को लाइक किया क्या हा सर किया मैंने कहा चेयरपर्सन ऑफ स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी पता कौन होता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर याद कराता हूं ऑडिट कमेटी का चेयरपर्सन कौन होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एनआरसी का कौन होता है वही जो ऑडिट कमेटी का होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अब एसआरसी तक आते आते ना स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी आते-आते इंडिपेंडेंट डायरेक्टर खत्म हो जाते हैं तो हमें किससे काम चलाना पड़ता है सर ऐसा बंदा जो इंडिपेंडेंट जैसा है बट इंडिपेंडेंट नहीं वो कौन होता है निकम्मा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर Non director, तो सिर्फ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही चेयरपर्सन बनता है it, अब देखते हैं, मुझे एक बात बताओ क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट कितने टाइम में देनी होती है सर ट्वेंटी वन डेज में तो मैंने कहा यहां पे यहां पर इन्होंने कितने दिन लगा दिए इन्होंने लगा दिए पच्चीस दिन बहुत गलत बात है बहुत गलत बात है इक्कीस दिन में जो चीज देनी थी उसके लिए पच्चीस दिन लगाए वापस इज रेजा नॉन सर क्वेश्चन फोर तो बड़ी जल्दी हो गया तो फोर मिनट से भी कम में हो गया मैंने कहा अब आओ क्वेश्चन नंबर पे ये एक और मरियल क्वेश्चन है कमिटीज पहचानो मुझे लगता नहीं वैसे इतने मरियल क्वेश्चन पेपर में देंगे बट ठीक है दे दिया तो तुम्हारी लॉटरी कह रहा है कमेटी पहचानो आइडेंटिफाई द नेम ऑफ कमेटी जिसकी बात हो रही है पहली कमेटी कंप्लेंट आई रिक्वेस्ट आई फॉर द नॉन रिसीट ऑफ रिफंड सर ये जब भी रिफंड का रोना धोना होता है एनुअल रिपोर्ट का रोना धोना होता है ये कौन देखता है स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी दूसरी चीज रिव्यू द मेजर्स टेकन बाय द कंपनी टू हेल्प द सिक्योरिटी होल्डर ये भी स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी क्या है यार मरियल मतलब कुछ नाम भी ढंका नहीं ढूंढ पा रहे दूसरा इवेलुएट द अपग्रेडेड द इवेलुएशन क्राइटेरिया फॉर बोर्ड कमिटीज एंड डायरेक्टर्स अप्रूव जल्दी से बताओ कौन इवेलुएट करेगा ये इवेलुएशन क्राइटेरिया कौन देखता होगा किसकी इवेल्युएट कर रहे हैं सर ये इवेल्युएट कर रहे हैं परफॉर्मेंस किसकी लोगों की कि कंपनी के लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं तो ऑडिट कमेटी तो ऐसा हरकतें नहीं करेगी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी रिस्क देखती है स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी को स्टेक होल्डर से फुर्सत नहीं मिल रही तो बची कौन निकम्मी एनआरसी निकम्मी एनआरसी एंड लास्ट पॉइंट इज ओमनी बस ओमनी बस अप्रूवल तो तुम इंटर से पढ़ते हुए आ रहे हो ये तो तुम ऐसे ही बता दोगे सर ऑडिट कमेटी ठीक है ऑडिट कमेटी का काम होता है ओमनी बस वाला अब आ जाओ सर क्वेश्चन नंबर और एकदम आसान आसान मरियल मरियल क्वेश्चन क्वेश्चन बिफोर डूइंग दिस लेट मी टेल यू वन थिंग इंडिया वॉन्ट्स टू नो सर ये जो दोनों के दोनों क्वेश्चन है ना जिस लहजे से पूछे गए हैं ये चीजें स्टडी मटेरियल में है ही नहीं तो सर क्यों पूछे गए हैं फिरकी लेने के लिए ठीक है थोड़ी फिरकी लेने का मन करता है तो मैंने कहा फिर की लेने के लिए लिए गए बट हम भी हम हैं करके जाएंगे ठीक है तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन टू एनपीएस इन द सेलेक्ट पब्लिक सेक्टर बैंक एज अ पार्ट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर तो इन्होंने कहा हमने सारे बैंक का देखा हमने के का तो देखा के तो हम ऑडिटर है बट हमने बाकी बैंक का भी देखा क्या डेटा वगैरह हम देख रहे थे

ग्रॉस एनपीए भी यही है ओपनिंग पीपी प्लस जो नए एनपीए आए माइनस जो अपग्रेड हो गए अपग्रेड हो गए मतलब स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड बन गए गए जिनको आपने एसेट बना दिया वो चले जिनसे पैसा आ गया वो भी चले गए जिनको राइट ऑफ कर दिया वो भी चले गए तो ओपनिंग प्लस न्यू माइनस जो चले गए एडिलीशन इनको सबको बोल दो डिलीशन तो क्या आ गया क्लोजिंग आ गया क्लोजिंग ग्रॉस एनपी आ गया तो क्योंकि हाँ बहुत डर गए ना हम तो ऐसे हम हाँ? ग्रॉस एनपीए रिप्रेजेंट द ओपनिंग बैलेंसिस प्लस फ्रेश एनपीए माइनस द अपग्रेडेशन माइनस द रिकवरी माइनस द राइट ऑफ वेरी इजी सर अब नेट एनपीए क्या होगा नेटपीपी क्या होता है द ग्रॉस माइनस डेप्रीसिएशन वेरी गुड एनपीए की डेप्रिसिएशन को क्या बोलते हैं प्रोविजन तो यह कहता है नेट एनपीएस आर अराइव आफ्टर डिडक्टिंग द अमाउंट ऑन द अकाउंट ऑफ टोटल प्रोविजन अगेंस्ट द एनपीए ठीक है जो भी आपके पास टोटल प्रोविजन है ये प्रोविजन किसका होगा इंटरेस्ट का होगा और जो इंटरेस्ट का ही होता है ना कि इंटरेस्ट पैसा नहीं मिल रहा बाकी अमाउंट तो बाद में मिलेगी इन द इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट टू पार्क द अक्रूड इंटरेस्ट ऑन एनपीए एंड सर्टेन अंदर एडजस्टमेंट तो बेसिकली जो भी आपका अक्रूड इंटरेस्ट है जिसका प्रोविजन बना है उसको माइनस कर दो अब अगली चीज देखो क्या पूछता है

प्लस जो मिस्टर ए है उसके सेविंग अकाउंट में कितना पड़ा है उसको अगर आप माइनस करोगे तो आपका एडवांस माइनस डिपॉजिट आ आ गया आ गया नेट एडवांस सॉरी तो बड़ा सिंपल मैंने कब है इधर देखो अब देखो यह कह रहा है रेशियो ऑफ नेट एनपीए टू नेट एडवांस इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि आपने जो अपने ठीक है उसके कंपैरिजन में कितने नेट एनपीए बुक कर रखे हैं

ये क्या कह रहा है नेट एनपीए ज्यादा है सर नेट एनपीए ज्यादा यानी न्यूमरेटर ज्यादा है ये ज्यादा कब होगा सर नेट एनपीए की वैल्यू क्या होती है एनपीए माइनस योर प्रोविजन यानी ये कह रहा है एनपीए की वैल्यू के साथ तो आपने हरकत नहीं करी ग्रॉस था दिक्कत कहां हुई होगी सर दिक्कत हुई आपने प्रोविजन कम बनाया दिक्कत हुई आपने प्रोविजन कम बनाया लॉजिकल है या नहीं है सर देखो लॉजिकल तो है बट लॉजिक क्या है वो मैंने आपको बता दिया समझ आ गई बात हाँ सर फिर से देखो किसका रेशियो सबसे ज्यादा इसका रेशियो सबसे ज्यादा रेशियो ज्यादा कब होता है या तो न्यूमरेटर ज्यादा होगा या डिनोमिनेटर कम होगा मैंने कहा डिनोमिनेटर की तो कुछ हमको ही नहीं है तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर खेलते हैं अब न्यूमरेटर का क्या मतलब है नेट एनपीए का मतलब है एनपीए माइनस प्रोविजन अब एनपीए तो एनपीए ही है उसकी तो बात ही नहीं हो रही दिक्कत कहां होगी सर दिक्कत प्रोविजन में होगी तो ये कह रहा है आपने कम प्रोविजन बनाया सर क्या बात तो देखो क्या कह रहा है नेट एनपीए टू नेट एडवांस इज हायर फॉर के सबसे ज्यादा इसी का है नलायक का तो यह कह रहा है रिस्क हमें ऐसा लगता है उन्होंने रिक्वायर्ड प्रोविजन नहीं बनाया इसलिए इनका न्यूमरेटर ज्यादा है सो देयर इज अ रिस्क ऑफ अंडर प्रोविजनिंग तो आपके ऑडिट प्रोसीजर भी इसी डायरेक्शन में होने चाहिए मजा आ गया एकदम ऐसे गुदगुदी हुई ना क्वेश्चन से हाँ सर अब आते हैं क्वेश्चन सेवन सुंदर क्वेश्चन सी ए सुंदरम सी ए सुंदर एक बार वो वाला गाना याद है सत्यम शिवम सुंदरम हो गाओ ना मेरे साथ सत्यम शिवम सुंदरम सेवंथ क्वेश्चन आ गया टोटल ग्यारह क्वेश्चन है के बाद सिर्फ चार जाएंगे। और वो चार भी बहुत छोटे छोटे आओ इधर जल्दी से करते हैं फिनिश करेंगे अगले दस से पंद्रह मिनट में डन डना डन डन एस सुंदरम इज द इंगेजमेंट पार्टनर कंडक्टिंग द स्टेट ऑडिट ऑफ अ नेशनलाइज बैंक करता रहे हमको क्या आगे बढ़ो बैंक ऑपरेट सीबीएस प्लेटफॉर्म कोर बैंकिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म चलता है जिसमें वो एनपीए को आइडेंटिफाई करते हैं उनके सिस्टम के हिसाब से आरबीआई यही बात हमको पता है आज की डेट में बैंक चुनेगा एनपीए कौन -कौन बनेता है सेटिसफेक्ट्री ऑपरेशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल इन दिस रिस्पेक्ट अब धीरे धीरे पढ़ना ही वॉन्ट्स टू बी श्योर दैट देयर एग्जिस्ट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम विच नॉट ओनली प्रिवेंट्स एंड रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ लोन एसेट्स बिकमिंग नॉन परफॉर्मिंग एट द इनिशियल स्टेजेस ये कह रहा है हमको एनपीए बनने से रोकना है हमको एनपीए को खत्म करना है बनने ही नहीं देना बट ऑल्सो और क्या क्या चाहता है सर इसकी चाहत बढ़ती जा रही है सुनते जाओ ऑल्सो सेंड्स टाइमली सिग्नल्स टू द बैंक सब्सिक्वेंटली यानी अगर कोई एनपीए बनने वाला है अचानक बैंक में सायरन मरे टॉय 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 एनपीए ताकि बैंक उस टाइम पे मेजर्स ले सके ताकि बैंक उस टाइम पे मेजर्स ले सके सो ही इज पुटिंग कंसीडरेबल ऑन द इफेक्टिव क्रेडिट अप्रेजल ड्यू टू देयर रोल इन प्रिवेंटिंग एनपीए स्लिपेजेस ऐसा ना हो अकाउंट स्लिप होकर एनपीए की कैटेगरी में गिर जाए ठीक है सर वाई कैरिंग आउट दर्क थ्रू ऑफ कंट्रोल ओवर द एडवांस ऑफ बैंक स्पेशली इन द एरियाज ऑफ क्रेडिट अप्रेजल एंड क्रेडिट मोनिटरिंग इडेंटिफाई फोर स्पेसिफिक कंट्रोल यू मस्ट बी लुकिंग फॉर पहले तो मैं आपको एक खुशखबरी दे दू यह स्टडी मटीरियल का क्वेश्चन ही नहीं है अगली खुशखबरी दूसरा दू। बड़ा ईजी है सर ऐसा क्यों देखो साफ साफ उसने क्या बोला आपको फोर स्पेसिफिक कंट्रोल बताने जो ढूंढ रहा है किसको लेके क्रेडिट अप्रेजल को लेकर क्रेडिट मॉनिटरिंग क्रेडिट अप्रेजल का क्या मतलब है अप्रेजल का मतलब है जब भी कोई आपसे लोन मांगने आए एज अ बैंक जब भी आपसे कोई लोन लेने आए तो आप उसका प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस करो तो पहली चीज क्या है आप प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस करेंगे एट द सेंशन स्टेज मैंने कहा सेंशन ही मत करो ना अगर आदमी गड़बड़ है तो तो सबसे पहली चीज जो क्रेडिट अप्रेजल का पार्ट बनेगी क्वेश्चन से आंसर बनाएंगे रट्टा नहीं लगाएंगे क्रेडिट अप्रेजल के स्टेज में ये कहता है सेंक्शन स्टेज पे ड्यू डिलीजेंस कर दो तो सर ड्यू डिलीजेंस कैसे करेंगे हमारे पास कोई थर्ड पार्टी सोर्सेज हैं जो हमारे पास डेटा शेयर करते हैं जैसे कि क्रेडिट रिपोर्ट्स आपने सुना होगा ना क्रिसल की रिपोर्ट होती है इकरा की रिपोर्ट होती है इकरा इकरा कितना क्यूट नेम है 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 क्रिसल की होती है, की रिपोर्ट रिपोर्ट होती होती तो ये जो थर्ड पार्टी सोर्सेज हैं आप ये क्रेडिट रिपोर्ट्स वगैरह यूज करो ना ताकि आप मिटिगेट कर सको रिस्क ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड समझ गए सर अब एक बार आपने पैसा दे दिया तब भी शांति से बैठना मत तब भी शांति से बैठना मत सर क्या करना है हमें अभी रिड्यूस करनी है रिस्क कि ये एनपीए में ना स्लिप हो जाए जल्दी से बताओ कौन सा अकाउंट होता है जो एनपीए में गिरने वाला होता है आपने ना इंटर में पढ़ा था मैंने इंटर वाली किताब भी साथ खोल रखी है ये देखो एडवांसेस एनपीए बनने से पहले क्या होते हैं स्टैंडर्ड रेगुलर उसके बाद ये जाते हैं एसएमए अकाउंट में स्पेशल मेंशन अकाउंट इसमें भी तीन अकाउंट आपने पढ़े थे एसएमए एम जीरो जिसमें कोई दिक्कत नहीं है एसएमए वन

कि आपने यहां पे क्लासिफिकेशन देखनी ऑफ अकाउंट ताकि आपको अर्ली रिकॉग्निशन मिल जाए कि यहां पे साइंस ऑफ स्ट्रेस है यहां पे ये एनपीए बन सकते हैं ताकि आप टाइमली रेमेडियल एक्शन लो टू प्रिवेंट द स्लिपेज एनपीए क्या आपको पहले दोनों पॉइंट समझ आए फ्लो समझ आए एकदम लॉजिकल यस सर क्रेडिट देने से पहले थर्ड पार्टी सोर्सेज यूज करें ताकि आप प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस कर पाओ क्रेडिट देने के बाद एस की क्लासिफिकेशन करी अब इन्होंने एक बात बोली थी आपको सर क्या क्या बोला था जल्दी से बताओ मैंने कहा रुको ना पॉइंट है इसी में इसी में ये पॉइंट था कहा गया कहा गया कहा गया यही है यही है यही है नहीं था यही था इन्होंने बोला था कि हम चाहते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हो जो सिर्फ प्रिवेंट और रिड्यूस ना करे बट ऑल्सो सेंड टाइमली सिग्नल तो मैंने कहा ये सिग्नल वाला पॉइंट इन्होंने थर्ड में डाल दिया सिग्नल वाला पॉइंट इन्होंने थर्ड में डाल दिया हम यहां पे सायरन लगाएंगे हम यहां पे सायरन लगाएंगे यानी वी विल हैव अ ऑटोमेटेड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स इन द बैंक ये जो ईडब्ल्यू एस ट्रिगर्स हैं इससे हम डिटेक्ट कर पाएंगे कहां कहां स्ट्रेस है कहा ऐसे में है एंड वी विल रिड्यूस द स्लिपेज इन टू एनपीए सर आप तो बड़े बदमाश हो मैंने कहा क्यों सर आप तो क्वेश्चन में से आंसर निकाल के ला रहे हो हमको तो लगा था अलग से मेहनत करनी पड़ेगी हम सिंधी हैं ठीक है हम सिंधी हम चलाक हैं हम ऊपर से निकाल के लाएंगे आंसर हम क्यों मेहनत करें ऊपर ऊपर से निकाल निकाल के लाओ क्यों मेहनत करनी तुमको रिलैक्स करो ठीक है बहुत मेहनत करने के लिए बाकी सब्जेक्ट है वहां कर लेना ऑडिट में नहीं सर अब जल्दी से बताओ क्या क्या, -क्या पॉइंट है मैंने कहा चुप हो जाओ जल्दी से बताओ तुम सबसे पहले क्रेडिट अप्रेजल अप्रेजल का पॉइंट तुमने क्या उठाया कोई भी क्रेडिट इशू करने से पहले ड्यू डिलीजेंस करेंगे थर्ड पार्टी के सोर्सेज यूज करके थर्ड पार्टी के सोर्सेज का मतलब क्या होता है वो क्रेडिट रिपोर्ट दूसरी चीज क्या करनी है सर दूसरी चीज जब आपने दे दिया मॉनिटर तो कर लो एसएमए बना देना अब जैसी कोई एसएमए बने ये कहते हैं सिग्नल देने हैं तो मैंने कहा ठीक है सिग्नल वाला पॉइंट याद रखेंगे एंड द फोर्थ पॉइंट इज अगर कोई खराब आदमी है अगर कोई खराब आदमी है जो रीपेमेंट करते वक्त दिक्कत देता है तो उसकी इंफॉर्मेशन भी आप कंपनीज को दे देना यानी इन इन रिपोर्टिंग ऑफ ऑफ रीपेमेंट बिहेवियर देयर लोन अकाउंट्स टू क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज यानी जितनी भी क्रेडिट रिपोर्टिंग कंपनीज हैं जितनी भी क्रेडिट रेटिंग कंपनीज हैं इनको भी आप ये इंफॉर्मेशन देंगे ताकि आप बाकी बैंक्स की मदद कर सके देखो उन्होंने आपकी मदद की थी ना फर्स्ट पॉइंट में थर्ड पार्टीज ने अब आपको उनकी मदद करनी है सिंपल फोर पॉइंट सर थर्ड पार्टी सोर्सेज फॉर ड्यू डूटिजेंस देस ए की क्लासिफिकेशन जैसे एस एम ए बनेगी तो सैन बजेगा अर्ली वार्निंग सिग्नल एंड लास्ट पॉइंट की मदद करो उनको भी इनफॉर्मेशन शेयर करो चारों पॉइंट अब सर आता है क्वेश्चन नंबर एट सारे बच्चे ध्यान से समझना सर क्वेश्चन नंबर एट तो यार डायरेक्ट क्वेश्चन है यार ये तो मत करवाओ यार नहीं सर हमको करवाना है देखा ध्यान से सुनो मेरी बात सुनो 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 पानी के दो घूंट पी ले रेडी 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 अब गुरु ध्यान से समझना पांच मिनट तुमको मेरी बात सुनिए उसके पूरी थ्योरी समझ आ जाएगी समझ गए सर सर एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर शंभू मिस्टर शंभू को चाहिए इंश्योरेंस तो ये इंश्योरेंस कंपनी के पास गया ओ सर इंश्योरेंस कंपनी का नाम क्या है इंश्योरेंस कंपनी ठीक है हम लेट्स कीप इट वेरी सिंपल इंश्योरेंस कंपनी अब इसने इंश्योरेंस कंपनी को क्या किया प्रीमियम पे किया जो भी था और इंश्योरेंस कंपनी ने क्या कहा तुम मुझे भी ना बिचारी हो चुकी है। कहती है क्या जिंदगी है मैं सबको प्रीमियम लेती हूँ सबको रिस्क कवर देती हूँ कल को सबके साथ की बैंड बज गई तो भाई मेरी भी बैंड बच जाएगी तो इसने कहा मैं थोड़ा सा रिस्क ना बांट लेती हूँ तो इसने क्या किया जितना रिस्क इसका कवर किया इसने ना एक और कंपनी पकड़ी इसने एक और कंपनी पकड़ी सर जिसका नाम क्या था री इंश्योरेंस कंपनी वाह सर आप तो बहुत ही सिंपल नाम ले रहे हो मैंने ये री इंश्योरेंस कंपनी ये कहती है कंपनी कंपनी तुम ऐसा करो मैंने तो जो प्रीमियम कमाया है तुम भी मेरे से ये प्रीमियम ले लो तुम भी क्या याद रखोगी लो मैं तुमको थोड़ा प्रीमियम देती हूं इसने इसको प्रीमियम दिया सर जब इसने इसको प्रीमियम दिया तो री इंश्योरेंस कंपनी ने इसको क्या दिया इसने इसको रिस्क कवर दिया वेरी गुड वेरी गुड इसने भी इसको रिस्क कवर दे दिया उतने अमाउंट के हिसाब से तो सर ये ये चल चल क्या रहा रहा है मैंने कहा कुछ नहीं ओरिजिनल पार्टी है ये जाती है इंश्योरेंस कराने के लिए प्रीमियम देती है इसको रिस्क कवर मिलता है इंश्योरेंस कंपनी को डर लग रहा है कि कल को मेरी बैंड ना बच जाए मैं ज्यादा रिस्क ले नहीं सकती तो थोड़ी रिस्क इसने आगे बांट दी इसने भी उस हिसाब से प्रीमियम दिया और रिस्क कवर ले लिया इंश्योरेंस कंपनी से अब सर ये जो इंश्योरेंस कंपनी जब री इंश्योरेंस कराती है तो सर इसका नाम क्या हो जाता है इस केस में इस वाले केस में जब मैं ये वाला केस बात कर रहा हूं इस वाले केस में इसका नाम हो जाता है सीडिंग कंपनी सीडिंग कंपनी और जो री इंश्योरेंस कर रही है उसका नाम क्या हो जाता है री इंश्योर क्या इतनी सी बात समझ आई हाँ सर अब सर यह कहते हैं री इंश्योरेंस ना दो तरीके की होती है देयर आर टू टाइप्स ऑफ री इंश्योरेंस सर ये टू टाइप्स ऑफ री इंश्योरेंस क्या ध्यान से समझना पहली री इंश्योरेंस है पील से समझोगे तो मजा आएगा पहली री इंश्योरेंस तो है जो आपने डेट जो आपने जियो का प्लान ले रखा है ना जो आपने जियो का प्लान ले रखा है ना वह वा एनुअल वाला हाँ सर ये एनुअल वाला प्लान क्या है मैंने कहा बड़ा सिंपल है ये जो आपने जियो का एनुअल प्लान ले रखा है जिसमें आपको मिलती है सर क्या वन पॉइंट फाइव जीबी पर डे जिससे आप यूट्यूब देखते हो ठीक है सर साथ ही साथ आपको मिलती है अनलिमिटेड कॉलिंग मैंने कहा तो ये एक आपने प्लान ले रखा है कई बार आपका वन पॉइंट फाइव जीबी एग्जॉस्ट हो जाता है यस सर कई बार वन पॉइंट फाइव जीबी की बैंड बच जाती है तो आप क्या करते हो सर उस केस में हम पता है क्या करते हैं मैंने कहा उस केस में हम ले लेते हैं छे जी उसमें हम एक छह जीबी का स्पेशल प्लान ले लेते हैं कि स्पेशल रिचार्ज कराते हैं वेरी गुड वेरी गुड तुम तो बड़े समझदार हो अब एक बात समझना ये वाला जो प्लान है ना ये ये इसको बोलते हैं ट्रीटी इंश्योरेंस इसको बोलते हैं क्या ट्रीटी इंश्योरेंस सर ट्रीटी इंश्योरेंस मतलब आपने ना एक एग्रीमेंट कर रखा है आपने री इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट कर रखा है कि भाई उस एग्रीमेंट के हिसाब से मेरी जो भी इंश्योरेंस आएगी वो री इंश्योरेंस में चली जाएगी ये क्या है सर फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस ये कौन सी है यानी जब जरूरत पड़ी पड़ी जब आपको जरूरत जरूरत सर क्यों पड़ी मैंने कहा जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आपको जो डेटा था वो वो अलग खत्म हो गया ट्रीटी का जो डेटा था वो ट्रीटी का डेटा खत्म हो गया तो आपको अलग से प्लान लेने की जरूरत पड़ी That द मेन डिफरेंस बिटवीन ट्रीटी एंड and facultative. अभी जब हम पढ़ेंगे ना तो आपको और क्लैरिटी आएगी बट अभी मुझे बताओ क्या क्या का पूरा क्लियर है? हाँ सर, अब आओ, देखो क्या कहते है। आओ यार, आओ। देखो इधर इधर यार, प्लस इन प्लस ठीक से बोलो प्लस इंश्योरेंस लिमिटेड प्लस इंश्योरेंस लिमिटेड एग्री टू इंश्योर अ लार्ज कमर्शियल क्लाइंट अब जब लार्ज कमर्शियल क्लाइंट आता है तो इसको भी धक धक हो रही थी कि भाई ये तो ज्यादा रिस्क ले लिया

यानी जो इंश्योरेंस कंपनी वो देती है उसको और जो री इंश्योर है वो एक्सेप्ट कर लेता है और साथ ही साथ प्रीमियम भी मांगता कहता है क्या था। प्रीमियम भी दो मेरे को के साथ साथ अब जो सीडिंग कंपनी कंपनी है है वो ओरिजिनल इंश्योरेंस जिसको रिस्क मिली थी और उसने पास ऑन कर दी अब जो इंश्योर्ड है एक बात बताओ जो इंश्योर्ड है मिस्टर शंभू ये किससे पैसे मांगेगा इंश्योरेंस कंपनी से या री इंश्योरेंस से सर इसका एग्रीमेंट तो इसके साथ हुआ है तो ये इंश्योरेंस कंपनी का दरवाजा खटखटाएगा तो मिस्टर शंभू जो इंश्योर्ड है उसकी कोई राइट right कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है अगर इसको लॉस होगा तो ये किसके पास जाएगा ओरिजिनल इंश्योरर की रिंश्योरेंस जाएगा? जाएगा होती है और ट्रीटी। और और ट्रीटी में क्या होता है ध्यान से समझना फैकल्टेटिव क्या थी सर स्पेशल रिचार्ज ये आपका स्पेशल रिचार्ज है और ये आपका प्लान है समझ गए सर स्पेशल रिचार्ज क्या है आपने एक पर्टिकुलर रिस्क कवर करी मतलब आपको सिर्फ चाहिए कॉलिंग नहीं मिलेगी ठीक है सर ये ओल्डेस्ट मेथड है बचपन से आपने देखा होगा आप यही हरकत करते आ रहे हो इट नेसेसिटेट्स द कंसीडरेशन ऑफ ईच रिस्क सेपरेटली आप एक ट्रांजेक्शन करते हो जो कि आप इंडिविजुअली नेगोशिएट कर रहे हो जियो के साथ और अब यहां पर ना जियो को भूल जाओ मतलब इसमें सिंपल सी बात यह क्योंकि आप एक इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन के लिए जा रहे हो तो सामने वाली पार्टी के पास चॉइस है और री इंश्योरेंस एक्सेप्ट करना या ना करे ओल्डेस्ट तो मेथड है, 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 है क्या फैकल्टेटिव समझ आया हाँ सर ट्रीटी क्या है, सर, ट्रीटी, है। और जो भी री इंश्योरेंस होगी वो लिमिट में होगी लिमिट में होगी यानी वन पॉइंट फाइव जीबी पर डे अब सर ये जो लिमिट्स है

तो मैं इसको कितना प्रीमियम दूंगा सर फिफ्टी परसेंट प्रीमियम दोगे सर ये तो बड़ा सिंपल है दूसरी क्या है सर दूसरी है नॉन प्रपोर्शनल नॉन प्रपोर्शनल के केस में बड़ा सिंपल होता है सपोज आपका जो एग्रीमेंट है वो है कि आप जो री इंश्योरेंस लोगे ना वो री इंश्योरेंस तब लोगे जब आपकी खुद की रिस्क खुद की रिस्क पांच करोड़ से ज्यादा की हो जाएगी यानी जैसी आपकी पोर्टफोलियो ऑफ रिस्क पांच करोड़ के ऊपर गई ये ऑटोमेटिकली री इंश्योर के पास चला जाएगा जो भी एडिशनल माल होगा जो भी एडिशनल रिस्क होगी वो री इंश्योर के पास चली जाएगी अब सर एक बात बताओ प्रीमियम किसके बेसिस पे होगा पे होगा तो एग्रीमेंट जो इनके बीच में जैसे ही खाना गले के ऊपर आने लगे री इंश्योरेंस की तरफ भागते हो फिर आप री इंश्योर से री इंश्योर कराते हो जो भी प्रीमियम है वो एस पर एग्रीमेंट होता है इसमें कुछ प्रोपोर्शनल नहीं होता तो ये बस आप इतना समझ के चलो एंड आरटीपी की डिस्कशन डन डन आर डन डन अब लास्ट के तीन क्वेश्चन रह जाते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन इज अबाउट योर टैक्स ऑडिट बड़ा सिंपल क्वेश्चन है अब टैक्स ऑडिट के साथ खेल बर्द सर ये है 105 पेज का टैक्स ऑडिट है सारे क्लॉज हम याद कर नहीं सकते कर भी लेंगे तो 1.5 डेज में रिवाइज नहीं कर पाते तो मेरी आपसे हमेशा एक ही दरख्वास्त रहती है एटलीस्ट टैक्स ऑडिट का क्वेश्चन बैंक करके जाओ और जितने भी क्वेश्चन नए आरटीपीज और एमटीपीज में आते हैं उतना हम कर सकते हैं तो दैट इज अ कैलकुलेटेड रिस्क विच आई टू गैट माई सी फाइनल लेवल एवल विच आई ऑल्सो गाइड माई स्टूडेंट्स तो वो चीज आप फॉलो करके चल सकते हो सर अब यहां पे भी आईसीआई ने एक नया क्वेश्चन पूछा है तो एकदम नए तरीके से समझते हैं टैक्स ऑडिट इट इज इधर देखो इधर देखो हाँ बस अब इतनी देर बैठे हो तो वैसे ही आप जीत चुके हो ठीक है बस अब आपने सुनते जाना समझते जाना आगे बढ़ते जाना ड्यूरिंग द टैक्स ऑडिट इट इज नोटिस बाई यू दट द कंपनी खुद की आर्टिकलशिप में भी देखा होगा कॉन्ट्रीब्यूशन को जो आप डिडक्ट कर रहे हो प्लस आपका खुद का भी शेयर होता है एज ए एम्प्लॉयर आप उसको जमा कराते हो विद द टैक्स अथॉरिटी तो इन्होंने ये बताया कि इंप्लॉय के कंट्रीब्यूशन क्या है ई एस आई पी के एम्प्लॉयर के क्या है कितना कितना अमाउंट है ड्यू डेट क्या है एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट क्या है तो बस आपको बस इतना बताना है इसमें आपको कुछ कैलकुलेशन तो करनी होती है सारा रिपोर्टिंग का खेल होता है हाउ विल यू डील विद विदव मैटर्स एज अ टैक्स ऑडिटर वाले फाइलिंग फॉर्म थ्री सी ए प्लस आपको इसकी रीजनिंग बताने है कि आप ऐसा क्यों करोगे तो सबसे पहले कहता है हम बात कर लेते हैं यहाँ पे किसकी इंप्लॉय की इंप्लॉय के क्या है आई पी एफ वही टेबल जो ऊपर दे रखी है इसको नीचे इन्होंने कॉपी कर लिया कुछ नहीं किया जिस ऐसी ये टेबल दे रखी है उसी टेबल को ऐसे कॉपी कर लो मैंने कहा ठीक है ये कहता है जो भी इम्प्लॉय से मिलेगा ठीक है वेरियस फंड रेफर्ड इन सेक्शन थर्टी सिक्स वन फाइव है ये इनकम टैक्स एक्ट आपने जो पढ़ रखा है उसका कोई सेक्शन है ठीक है सर जो वो सेक्शन में फंड्स होते हैं सर ये फंड्स कौन से होते हैं वही रिकॉग्नाइज्ड फंड्स रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ईएसआई अप्रूव्ड फंड फंड एजीएफ सुपर वो सारे की यहां पे बात कर रही है ट्वेंटी बी में डालते हैं है. अब सर ये क्लॉज याद करना है हाँ। याद करना याद करना तो सर कैसे याद करेंगे मैंने कहा बड़ा सिंपल गेम है तुमने बारहवीं कितने एज में कंप्लीट करी मोस्टली अट्ठारह की एज में करी होगी हाँ सर फिर फाउंडेशन कितनी एज में निकाला वो इक्कीस में उन्नीस में निकाला, निकाला होगा क्योंकि एक साल तो लग ही जाता है इंटरमीडिएट कितनी में निकाला फिर एक साल लगा तो बीस साल के हो गए थे मोटा माटी तुम बीस साल के हो गए थे जब तक इंप्लॉय बने हाँ तो सर हम 20 साल में बनते हैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या ये बात समझ आई नहीं आई तुमको जैसे भी आई नहीं आई मान लो 20 साल में ही बनते हो ठीक है सर तो एम्प्लॉय 20 बन गया और तुम क्या बोलते हो मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा मैं भी चार्ट जैसे इंप्लॉय बने तुम क्या बोले आर्टिकल इंप्लॉय जैसे ही बनते हो तो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंट तो ट्वेंटी बी में आ गए समझ गए सर

तो ये कहता है इफ इट इज क्रेडिटेड बाय द टू द इंप्लाइज अकाउंट इन द रेलिवेंट स्टैच्यूटी फंड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट अब सर एक बात समझना यहां पे कौन से फंड आते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया प्रोविडेंट फंड सुपर फंड और ईएसआई फंड और अदर फंड्स आ जाते हैं अब ये कहता है क्लॉज ट्वेंटी बी में आपने सब रिपोर्ट करना है भले ड्यू डेट पे जमा कराया कराया हमको फर्क नहीं पड़ता आपने इसको दिखाना है तो दिखाना है यू नीड टू डिस्कलोज द अमाउंट यू एज अ ऑडिटर आपको कोई ओपिनियन देने की जरूरत नहीं क्या allowable है क्या नहीं क्योंकि तुमको तो टैक्स आता नहीं तुम तो ऑडिटर हो तो तुमको नहीं बताना क्या allowable है, क्या है नहीं वो हम खुद देख लेंगे तुम बस हमको इंफॉर्मेशन दो इस बंदे ने जो भी पैसा इंप्लॉय से लिया वो कब कब जमा कराया वो कब कब जमा कराया बस तुमको ये इन्फॉर्मेशन हमको देनी है क्या इतनी सी बात समझ आती है हाँ सर अब एक बात समझना एक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन तो हो गया सर ये तो बड़ा इजी था तो मैंने कब का टफ था आसानी है अब सर दूसरी बात आती है इंप्लॉयर को लेकर एम्प्लॉयर के केस में क्या है मैंने कहा एम्प्लॉयर के केस में ना सेक्शन बदल जाता है एम्प्लॉयर के केस में आपका लगता है सेक्शन सेक्शन नंबर बी बी वाला जो है वो सिर्फ सेक्शन थ्री बी क्या कहता है जो भी आपकी होते हैं ना टू दिस फंड या आपके कोई इनडायरेक्ट टैक्स के पेमेंट होते हैं कोई कॉन्ट्रीब्यूशन टू दिस फंड होते हैं इनकी आपको डिडक्शन तभी मिलती है जब आप इनको पे करते हो बिफोर योर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न देखो क्या कहता है

है, इट इज पेड वेल बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम इट विल बीपोर्टेड बी ए प्रोवाइडिंग बनानी तो सर क्या ऑडिट का क्वेश्चन था मैंने कहा जिसको इनकम टैक्स आता उसको तो बड़ा आसान लगा मुझे तो इजी था मैंने कहा सबसे पहले इंप्लॉय की बात करेंगे वो कौन सा सेक्शन था उसका थर्टी सिक्स याद आ रहा थोड़ा थोड़ा हाँ सेक्शन थर्टी सिक्स वन फाइव है साथ साथ ही याद कर रहे हैं ठीक है सर

मेरे अंदर भी अब थोड़ा थोड़ा बीबी सर वाली फील आ रही है मुझे अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर टेन पे सर ये क्वेश्चन नंबर टेन क्या क्या रहा है इतना बड़ा क्वेश्चन है मैंने कहा जल्दी से देखो बहुत इजी क्वेश्चन है पीकेएस एंड एसोसिएट्स आर द ऑडिटर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी जिनकी एग्रीगेट डेट बर्डन टेन थाउजेंड करोड़ मैं तुमको सीधा सीधा बताऊं क्या आएगा क्वेश्चन नहीं सर क्वेश्चन रीड कराओ तभी तो फील आएगी मैंने कहा ठीक है कंपनी डिफॉल्टेड ड्यू टू द फेलियर ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस अक्रॉस ऑल इट्स ग्रुप कंपनीज एंड विंडो ड्रेस दिस फाइनेंशियल कंपनी ने ही बजा दी अपऑन द रिस रिस्ट्रार ऑफ कंपनी फ्रॉड रिपोर्ट नहीं किया ऑडिट फॉर्म देर वॉज अ फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ ऑडिट फॉर्म टू रिपोर्ट द फ्रॉड इन दंपनी टू सेंट्रल गवर्नमेंट ऑडिट फर्म को सर फ्रॉड कब रिपोर्ट करना होता है थाउजेंड टेन थाउजेंड करोड़ का ए डी टी फोर

और अगर ये कोई अदर कंपनी है तो इस केस में एक लाख रुपए की पेनल्टी है तो क्या ये पेनल्टी याद करनी है मैंने कहा वैसे नहीं करते बट अब क्योंकि आरटीपी में पूछ लिया तो याद करके जाना याद करके जाना अब आता है सर क्वेश्चन इलेवन और क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व सर ये दोनों क्वेश्चन आपके प्रोफेशनल एथिक्स के एंड ट्रस्ट मी दीज आर द दिएस्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है स्टेचुटरी ऑडिट ऑफ अरिहंत लिमिटेड फॉर फाइनेंशियल ईयर टू वॉज डन बाय सी ए आचार्य दो हजार दस हजार दस से चलती है प्रोविजन फॉर ऑडिट फीस है कुछ एक लाख रुपए जो इसने पे नहीं करी है प्लस इसकी इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस अगर आप देखोगे तो बैंड बजी पड़ी है माइनस थ्री लैक्स रुपये इसके पास है पैसे ही नहीं है सी ए नेमी नेमी है yeah, हो रहे हो सीए नेमी एक्सेप्टेड द स्टेच्यूटरी ऑडिट ऑफ अरियंत लिमिटेड इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि पुराने ऑडिटर की फीस पेड नहीं है अब जल्दी से बताओ सारे बच्चे जल्दी से बताओ क्या नेमी ने पुराने वाले के साथ गलत किया क्या नेमी ने पुराने वाले के साथ गलत किया हाँ तो ये कहां गिल्टी होगी चैप्टर सात में कहा गिल्टी होगी चैप्टर सात और काउंसिल जनरल गाइडलाइन जो कहता है इन नॉट गिल्टी अगर वो क्या नाम बोलती आंटी तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है क्या मैंने एक एक्सेप्शन बताई थी कमोलिका क्या मैंने तुमको एक एक्सेप्शन बताई थी हाँ सर आपने कहा था अगर कोई यूनिट बीमार है इफ इट इज अट यू कैन एक्सेप्ट तो क्या नेमी सही निकली मैंने कहा भाई साहब तुम क्या कहते हो तुमको क्या लग रहा है सारा मसाला जवान और पठान में है प्रोफेशनल एथिक्स पे आओ जरा आओ कभी ऑडिट क्लास में तो तुमको मजे कराए तो मैंने कहा बड़ा गेम सिंपल है भाई सिक यूनिट है तो यहां पे सस्पेंस देखो ना वहां का सस्पेंस में वो मजा नहीं है जो सस्पेंस यहां है तो ये कहता है कि तुमको क्या लग रहा था वो गिल्टी होगी बट अगर कोई सिक यूनिट है जिसकी नेटवर्थ नेगेटिव है तो फिर उस पर एप्लीकेबल नहीं है एंड ने विल नॉट बी गिल्टी बिकॉज इट इज अट क्या ये बात समझ आई हाँ सर सर इसमें क्लॉज क्यों नहीं लिखा मैंने कहा नहीं लिखा तुम भी मत लिखना अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है और जनरली जब भी काउंसिल जनरल गाइडलाइन का क्वेश्चन आ रहा है आई से क्लॉज लिख ही नहीं रहा पिछली बार

बाकी आई वुड डू इट फॉर सेफर साइड बट हाँ चैप्टर तो करना करना ही है। अब सर है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व सारे बच्चे करके चलना। सुमति। सुमति मतलब अच्छा दिमाग पॉजिटिव माइंड सेट ठीक है सीए सुमतिज प्रेक्टिस ऑफिस इन मुंबई मुंबई पीपल इन द हाउस ओपी सी ए सुमति इज द ओनर ऑफ डोमेन कैप डॉट नेट इन ऑर्डर टू जनरेट एडिशनल रेवेन्यू धंधा बनाएंगे आंटी सी एस सुमति सोल्ड हिज डोमेन नेम सोल्ड दिस डोमेन नेम टू एक्स वाई जेड लिमिटेड फॉर द रॉयल्टी ऑफ दो लाख पच्चीस हजार दिल पे हाथ रख के बताओ दिल पे हाथ रख के बताओ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एक बार अगर तुम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए तो क्या एक और ऑक्यूपेशन और बिजनेस कर सकते हो मैंने कहा नहीं तो क्या मैडम गिल्टी होनी चाहिए मैंने कहा

मैं ही दिखाता हूं तुमको रुको जल्दी से एक बार अपनी बुक पलटो ये लिखिए ना कुछ स्पेसिफिक रेजोल्यूशन लास्ट लाइन पढ़ो एनी अदर बिजनेस और जब आपने आखिरी में बोल दिया एनी अदर बिजनेस और तो बचा क्या मैंने कहा कुछ नहीं तो इस आंसर में आप पहले क्लॉज इलेवन लिखोगे फिर लिखोगे रेगुलेशन 190 है जो बात करती है जन, जनरल और स्पेशल परमिशन की फिर आप फैक्ट्स ऑफ द केस लिखोगे और बोलोगे क्योंकि इसने जो हरकत करी है ये अदर बिजनेस और ऑक्युपेशन में आ जाएगी शी इज गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट धन्यवाद ठीक है बचपन में पोयम खत्म हो जाती थी बहुत बड़ी तो उसके बाद क्या बोलते थे धन्यवाद करे, कही ना कही आपको भी एक कॉन्फिडेंस आया होगा जो देखने में अजीब लग रही थी आरटीपी वो अजीब नहीं थी एंड दैट्स वॉट इज द रियलिटी अगर आप चीजों के साथ थोड़ा टाइम बिताते हो चीजों को थोड़ा मजे से करते हो मैं ऐसे ही बोलता खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे ऑनली वे ऑफ डूइंग इट टेंशन ले लेके परेशान होके अरे नहीं ये भी नया डाल दिया अरे अरे ये भी नया डाल दिया क्या कर पाएंगे बट अगर मजे लेते जाएंगे खुशी से पढ़ते जाएंगे तो डेफिनेटली आगे बढ़ते जाएंगे सो so, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो डू अ लाइक सब्सक्राइब द चैनल और जल्दी से बताना चा... कमेंट सेक्शन में वीडियो कैसी लगी ठीक है मजा आया या नहीं आया विशिंग यू द बेस्ट आई होप यू मेक मी प्राउड इन द नवंबर 23 एग्जाम्स एंड आप जल्दी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनके अपना और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें ऑल द बेस्ट लगे रहो